हेलो गाइस वेलकम टू फोर सैलरी चैनल और इस वीक के फोर मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है तो यहां पर हम टॉप टेन पेयर्स को एनालाइज करेंगे फोर में इंक्लूडिंग गोल्ड और इसके अलावा अगर आप कोई और पेयर को एनालाइज करना चाहते हैं मंडे हमारा लाइव वेबिनार रहेगा नाइन पी फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां पर रजिस्टर कर सकते हैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं फॉर कैलेंडर में कि आने वाले हफ्ते में कौन कौन सी न्यूज है जो फोर मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे आप मेरी वेबसाइट पर जाए फोर सैलरी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आने वाले हफ्ते में न्यूज है जो मोस्टली इंपैक्ट करेंगी सबसे पहले अगर आप देखें बैट की जो चेयर है पावल की स्पीच है जो अनएक्सपेक्टेड संडे इस, इस मंडे के लिए है जो कि यहां पर इंटरव्यू देंगे उसका ज्यादा इंपैक्ट तो नहीं है क्योंकि शेड्यूल नहीं थी पर वहां से कुछ हिंट यहां पर दे सकते हैं उसका इंपैक्ट भी हो सकता है संडे अगर मार्केट गैप अप खुले पर अगर आप यहां पर देखें और बाकी दिन अगर हम यहां पर देखें तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट रहेगा एफओ का वीक रहेगा हमारा और पी एम के नंबर रहेंगे ट्यूजडे ओन वर्ड्स अगर मैं देखता हूँ तो आरबीए मीटिंग मिनट्स रहेंगी जो ओजी को डेफिनेटली इंपैक्ट करेंगी इसके अलावा अगर आप देखें छह बजे के आसपास कैट के ऊपर इन्फ्लेशन के नंबर है जो कैट को इंपैक्ट करेंगे कैट अगर आप करेंसी स्ट्रेंथ में देखेंगे तो अभी स्टिल वीकनेस में चल रहा है कुछ ज्यादा अभी प्लस और पॉजिटिव नहीं मिल रहा है पर इसके बाद यहाँ पर आपको काफी इम्पैक्ट मिलेगा इसके बाद अगर हम पाउंड का देखें तो वहां पर जो गवर्नर है बेली उसकी स्पीच है और फिर एनजीडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट कट किया जाए या फिर को फ्रेम करेंगे। देखें, तो के रहेंगे, और फिर आपकी साढ़े ग्यारह आप देखें जो एफओमसी की मीटिंग है जो यूएसडी पेयर और बाकी सभी पेयर्स को इंपैक्ट करेंगे यहां पर डिसाइड किया जाएगा कि आगे क्या करना है क्या इंटरेस्ट रेट को कट करना है नहीं करना है क्या उनकी पॉलिसी है और किस तरीके से वो मॉनिटर करेंगे मार्केट को तो यहां पर काफी हिंट रहेगा जो तो USD और बाकी पेर्स को यहाँ पर इंपैक्ट करेगा इसके अलावा अगर आप थर्सडे देखें तो PMI के नंबर काफी जीबीपी और यूरो के माइंड हाँ में रखेगा जब भी आप अपने ट्रेड को प्लान करें ताकि आप मेन न्यूज के दौरान ना फंसे और अपने ट्रेड को मैनेज कर सके अब चलते हैं करेंसी स्ट्रेंथ करेंसी स्ट्रेंथ में देखें वीक थ्री में गाइज सबसे ज्यादा वीकनेस अभी आपको दिख रही है यूएसडी में यूएसडी के गेस में सभी पेयर यहां पर हाई इंपैक्ट अभी अब में चल रहे हैं स्विस फ्रैंक भी वीकनेस में है जैपनीजन भी वीकनेस में है और जो स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा आप देखेंगे पाउंड में है एनजीडी में है और गोल्ड में है ये तीनों ही पेयर अभी पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में चल रहे हैं और ये तीन पेयर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से निगेटिव में चल रहे हैं बाकी पेड़ आप देखेंगे प्लस माइनस कुछ ज़्यादा खास स्ट्रेंथ नहीं है आप इनके कॉम्बिनेशन के साथ अगर आपको सेटअप मिले तो आप यहां पर देख सकते हैं चलिए देखते हैं हमें नेक्स्ट वीक क्या सेटअप मिल सकते हैं तो सबसे पहला पेयर गाइज हमारा गोल्ड यहाँ पर हमें फोर आवर के चार्ट में आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट में इस लेवल के आसपास से मैंने कहा था यहाँ से हमें पुल बैक एक्सपेक्ट करना है और इस सपोर्ट लेवल के पास और यहां से फिर हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे इवन मार्केट यहां से भी के जा सकती है और जो प्रीवियस आई है यहां तक का लेवल देखेंगे अब देखिए मार्केट नीचे गई और यहाँ से फिर कंटिन्यूसली के लिए गई है ये डेट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट किए थे अगर जहां पर मैंने वन आवर में आपको बताया था और इवन इंस्टाग्राम पर भी मैंने फ्राइडे को रील डाली थी जहां पर आप इसको देख सकते हैं आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करते रहिए क्योंकि वहां पर मैं और एक्टिव रहने वाला हूं और अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर मैं जो भी चार्ट देख रहा हूं आप मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं तो नेक्स्ट वीक आप यहां पर क्या देख सकते हैं तो जो हमारा ऑल टाइम हाई था मार्केट उसके पास यहां पर आ चुकी है इस रेसिस्टेंस के पास अब हमें यहां पर देखना होगा क्योंकि अभी आप देख रहे हैं मार्केट का लेवल जो है करंट अभी ट्रेंड जो है अब के लिए चल रहा है और इस लेवल पर हम यहां पर आ चुके हैं अभी अगर मार्केट यहां से पुल बैक देती है कुछ खास ज्यादा इंपैक्ट नहीं रहता है अभी स्टिल आप इसमें बाय के लिए देख सकते हैं इवन और डीप पुल बैक आए स्टिल मैं यहां से इसमें बाय के लिए देखूंगा एफओ की मीटिंग का यहां पर काफी इंपैक्ट रहेगा अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो कंटिन्यूसली अभी हम गोल्ड में रैली को ऑब्जर्व कर सकते हैं मैं पर देखना चाहूंगा हमारा टू थ्री सेवन फाइव का लेवल अगर ब्रेक होता है तभी हम डाउन के लिए यहां पर मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं टू थ्री थ्री टू या फिर इवन डाउन नेक्स्ट फेयर का हमारा यूरो यूएसडी यहां पर भी आप देखें सेम इस लेवल के आसपास थे मैंने कहा था अगर पुल बैक जाता है मार्केट में यहां से हम बाई के लिए देखेंगे या फिर इस लेवल को भी ब्रेक करें इस सपोर्ट के पास हम स्टिल कंटिन्यू करेंगे और हम टारगेट देख सकते हैं 1.087 पॉइंट जीरो आप देखें मार्केट ने पूरी तरीके से अप ट्रेंड दिया और मार्केट हम अप के लिए जा रहे हैं अब नेक्स्ट वीक यूरो यूएसडी में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं तो मार्केट ने जो सपोर्ट है लास्ट फ्राइडे आपने देखा मार्केट यहाँ से जंप कर चुकी है अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं तो हम कंटिन्यूसली अप के लिए जाएंगे वन पॉइंट तक का लेवल टच कर सकते हैं और अगर हम इस लेवल लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो हम डाउन के मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1.075 अगेन डिपेंड करता है फोएमसी की मीटिंग यूएसडी की मीटिंग किस तरीके से इफेक्ट करती है अगर वो पॉजिटिव आती है यूएसडी में स्ट्रेंथ रहती है तो यूरो यहां पर डाउन जा सकता है नहीं तो हम यहां से यूरो में भी स्ट्रेंथ अभी कंटिन्यू देखेंगे नेक्स्ट फेर गए हमारा जीवी पीएसडी यहाँ पर भी आप मार्केट में एक रेंज में चल रहे थे मैंने कहा था यहाँ पर कोई ब्रेकआउट हो टेस्ट करें बाय कीजिएगा मार्केट ने ब्रेकआउट किया यहाँ पर मार्केट साइडवेज में रही और फिर कंटिन्यूसली हम ऊपर की तरफ गए हैं तो नेक्स्ट वीक पाउंड यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं तो पाउंड अगर आप देखें तो पूरी तरीके से यहाँ पर स्ट्रेंथ में चल रहा है सपोर्ट के पास यहाँ से फिर अगेन अप हम इस लेवल को भी ब्रेक कर चुके हैं अगेन हालांकि हम यहाँ पर सपोर्ट लेवल के पास है अगर ये ब्रेकआउट होता है तो कंटिन्यूसली हम अप के लिए जाएंगे वन के लेवल के आसपास अगर यहाँ से कुछ पुल बैक जाता है मार्केट लेवल को ब्रेक करती है डाउन नीचे की तरफ 1.26 इस लेवल को ऑब्जर्व करेंगे और स्टिल अगर हमें बाइक की अपॉर्चुनिटी मिले ये लेवल भी ब्रेक हो तब फिर हमारा 1.25 और 500 फाइव हंड्रेड यहाँ तक का टारगेट हम देख सकते हैं तो अभी पाउंड में मैं बुलिस के लिए ही देखूंगा अनलेस मेरा यह लेवल ब्रेक हो वन पॉइंट टू सिक्स फाइव जीरो का नेक्स्ट पेयर का हमारा ओज डी है ओज डी आप देख रहे हैं तो हम काफी टाइम से इस स्ट्रेंथ में थे मैंने बोला था मोस्टली मैं यहाँ पर देखना चाहूंगा ये मार्केट इस लेवल को ब्रेक करें हम कंटिन्यूसली अप के लिए जाए आप देखें मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया रिटेस्ट किया और फिर कंटिन्यूअस स्टिल हम अप के लिए चल रहे हैं तो नेक्स्ट वीक ओजी यूएसडी में आप क्या देख सकते हैं तो मार्केट का जो ट्रेंड है अभी कंटिन्यूसली स्टिल यहाँ पर अप चल रहा है प्रीवियस रेसिस्टेंस को भी हम यहाँ पर ब्रेक कर चुके हैं और जो हमारी ऊपर की रेसिस्टेंस है सिक्सटी सिक्स एट हंड्रेड के आसपास है तो अगेन यहां पर अगर ये ब्रेकआउट होता है पुल बैक मिले आप बाय कर सकते हैं और ऊपर की तरफ ये टारगेट देख सकते हैं हमारी ये ट्रेंड लाइन भी है मार्केट यहाँ पर चल रही है ये लेवल ब्रेक होता है तभी हम डाउन के लिए जाएंगे सिक्सटी सेवन सेवन फोर फाइव या इवन सिक्सटी फोर सिक्स सेवन एट का लेवल नेक्स्ट फिर हमारा एनजीडी यूएसडी एनजीडी यूएसडी में पूरी तरीके से स्टैंड चल रही है अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर यहां पर मैंने आपको बोला था अगर ये ब्रेकआउट हो लेवल किसी भी साइड में बाय कीजिएगा और फिर ऊपर की तरफ टारगेट या फिर नीचे की तरफ आप देखिए मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया और कंटिन्यूसली हम यहाँ पर अब चल रहे हैं नेक्स्ट वीक एनजीडी यूएसडी में क्या देख सकते हैं अगेन हम यहां पर डबल टॉप के आसपास है और ये रेंज हम दोबारा बन रही है अगर हम ये ब्रेकआउट करें ब्रेकआउट के साथ आप बाय कीजिए और सिक्सटी तक यहाँ तक का टारगेट हम इसमें देख सकते हैं इवन मार्केट यहाँ से पुल बैक करके नीचे जाती है मैं स्टिल इस एरिया को ऑब्जर्व करूँ सिक्सटी सिक्स नाइन अगर

नीचे के लिए रैली कर रहे हैं तो नेक्स्ट वीक यूएसडी कैड में आप क्या देख सकते हैं क्योंकि कैड में वीकनेस चल रही है यूएसडी में भी वीकनेस है तो इसीलिए आप देखें जो डाउन ट्रेंड है हमारा ये लेवल ब्रेक करते हुए हम नीचे की तरफ जा रहे हैं हालांकि हम सपोर्ट के आसपास है पर जब तक हमारा ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक ना हो अभी मैं इसमें बाइक की अपॉर्चुनिटी नहीं देखूंगा अभी आपको कोई भी पुल बैक मिले आप इसमें स्टिल सोट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं वन थर्टी अगर ये लेवल हमारा ब्रेक कर देता है वन थर्टी तभी हम ऊपर की तरफ टारगेट देखेंगे वन थर्टी या फिर वन थर्टी नेक्स्ट पेयर गायज हमारा यूएसडी यूएसडी जापनी जैन में मैंने आपको बताया था guys, कि हम इस सपोर्ट लेवल के पास है इवन ये हमारी रेसिस्टेंस है 156 फिफ्टी टू एट हम इस लेवल के आसपास की अपॉर्चुनिटी देखेंगे मार्केट इस लेवल पर काफी टाइम बिताया थोड़ा ऊपर गई और फिर डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ दी है तो अगर आप इस मूव को कैप्चर कर पाए होंगे तो बेटर रहा होगा अब यहाँ से दोबारा से मूव करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है नेक्स्ट वीक हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं यूएसडी जैनीजन में अगर आप देखेंगे कि दोनों ही पेयर वीकनेस में है यूएसडी भी वीकनेस में है जापनीजन भी है तो इसी वजह से आपने जो मार्केट अब मूवमेंट देखी उतना ही साइड वेज उतना ही वो डाउन और फिर ऊपर की तरफ आ रही है तो हम यहां पर देखना चाहेंगे अगर ये यह लेवल यहां पर ब्रेक होता है तभी मैं ऊपर की तरफ मार्केट की मूवमेंट देखना चाहूंगा नहीं तो मैं इस लेवल को ऑब्जर्व करूँगा अगर हमें यहाँ से इसमें सोट की अपॉर्चुनिटी मिले तो हम इस रेंज के अंदर मार्केट में यहाँ पर रह सकते हैं क्योंकि जब तक मार्केट में किसी पेयर में स्ट्रेंथ नहीं आएगी या तो यूएसडी में स्ट्रेंथ आए या जैकनीज तभी हम यहाँ पर स्ट्रांग मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो एफओ मीटिंग के बाद यहाँ पर हमें क्लियर होगा फिर हमारा जीबीपी जैपनी जैन यहां पर मैंने आपको बताया था मार्केट कंटिन्यूसली चल रही है हमारी दो रसिस्टेंस लेवल है से आप बाय के लिए ही देख सकते हैं और टारगेट ऊपर की तरफ जा सकते हैं एक्जेक्टली आप देखें रैली मैंने बोला था कि यहाँ पर हम सोट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं पर हमें यहाँ पर कुछ सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इस लेवल पर भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी अगर आपने कैप्चर किया होगा पर स्टिल हम ऊपर की तरफ ही यहाँ पर रैली कर रहे हैं नेक्स्ट वीक पाउंड येन में हम क्या देख सकते हैं तो अगेन हम इस लेवल को ब्रेक कर चुके हैं इवन प्रीवियस सपोर्ट को भी ब्रेक कर चुके हैं तो अगर आपको कुछ पुल बैक मिलता है स्टिल हम यहाँ पर कंटिन्यूसली टू के पास यहाँ पर जा सकते हैं इवन डीपर पुल बैक इस लेवल के पास स्टिल मैं इसमें बाई के लिए देखना चाहूंगा जब तक ये लेवल हमारा ब्रेक नहीं होता 195 124 तभी हम यहाँ पर इसमें शोट के लिए देखेंगे नहीं तो अभी मैं कहूँगा आप पाउंड में बाई के लिए देख सकते हैं क्योंकि पाउंड आपका पूरी तरीके से स्ट्रेंथ में चल रहा है और जैपनीज पूरी तरीके से अभी वीकनेस में है नेक्स्ट पेर का हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक यूएसडी स्विस फ्रैंक में आप देखेंगे जो करेंसी स्ट्रेंथ में हमने देखा स्विस फ्रैंक पूरी तरीके से वीक में है यूएसडी भी वीक है दोनों ही पेयर वीकनेस में है तो वही जितना मूवमेंट आपने देखा मैंने यहाँ आप, पर आपको बोला था कि हम सोट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे डाउन तक का टारगेट एक्जैक्टली मार्केट ने वही किया और नेक्स्ट वीक आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं तो मैंने आपको बोला कि दोनों ही पेयर में स्ट्रेंथ है इसीलिए जितना भी मूव नीचे की तरफ गया उतना ही मूव ऊपर की तरफ यहां पर चला गया और दोबारा से फिर हम इस लेवल के आसपास यहाँ पर आ चुके हैं अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम आपकी मूवमेंट देख सकते हैं नाइनटी या फिर इवन जो प्रीवियस हाई है वहां तक हम जा सकते हैं पर मार्केट यहां पर इस रेंज में रह सकती है क्योंकि कई बार यहां से मार्केट कर चुकी है और यहां पर भी दोनों ही पेयर में वीकनेस तो मैं यहां पर एक्सपेक्ट करूंगा अभी रेंज तक। हमारा यूरो यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट ने पूरा आपकी तरफ मूवमेंट दिया था मैंने बोला था रेंज में अगर यह ब्रेकआउट हो तभी अब जाएंगे नहीं तो आप यहां से इस लेवल को ब्रेक करें रिटेस्ट करें आप सोट की अपॉर्चुनिटी देखिए आप देखिए मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया रिट्रेच किया और फिर कंटिन्यूअली डाउन के लिए हम यहाँ पर चल रहे हैं तो नेक्स्ट वीक यूरो जीबीपी में हम क्या देख सकते हैं तो मार्केट में अगर आप देखें ये रेंज के अंदर यहाँ पर चल रहा है नीचे काफी हमारी सपोर्ट है पूरी तरीके से डाउन चल रहा है क्योंकि जीबीपी में स्ट्रेंथ है यूरो वीकनेस में चल रहा है तो कुछ भी पुल बैक मिले आप स्टिल इसमें डाउन के लिए जा सकते हैं इवन एटी फाइव तक का लेवल तो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एटी फाइव इस लेवल के पास मार्केट जाती है तो आप सोट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं मे भी ज्यादा बड़ा पुल बैक ना मिले स्टिल इसके पास आप यहां से इसमें डाउन के